हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं चैनल कॉकटेल जॉकी। इस चैनल पे हम करते हैं ब्रांड रिव्यूज और बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस कॉकटेल्स। आज जो मैं कॉकटेल बनाने जा रहा हूँ वो विस्की बेस्ड कॉकटेल है। इस कॉकटेल को जो हमने नाम दिया है वो दिया है ईस्ट वेस्ट साइड कार। साइड कार बेसिकली एक क्लासिक ब्रांडी कॉकटेल है जिसमें जाता है ब्रांडी, ट्रिपल सेक और लाइम जूस। इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं, इसमें जाएगा विस्की, ट्रिपल सेक, लाइम जूस और थोड़ा सा शुगर सिरप। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास तैयार हैं और ये इंग्रेडिएंट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर ट्रिपल सेक अवेलेबल नहीं है तो ऑरेंज, कुरासाओ, मॉनिन का या बॉनिन का ट्रिपल सेक या और भी ब्रांड का ट्रिपल सेक सिरप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसमें शुगर सिरप यानी चाशनी आप आराम से घर में बना सकते हैं। लाइम जूस में तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगने वाली, आपको बस लेमन काटना है और स्क्वीज करना है, या आर्टिफिशियल डाबर का लेमन जूस आता है आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेश लाइम जूस या लेमन जूस, आप वो यूज़ कीजिए। और इसमें जाने वाला है श्योर्स रीगल विस्की जो आपकी और मेरी फेवरेट विस्की है। तो चलिए देख लेते हैं इस कॉकटेल को आप किस तरीके से अपने घर में इजिली बना सकते हैं। तो इस कॉकटेल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक 3 पीस कॉकटेल शेकर, उसमें आपको डालना होगा 3 से 4 क्यूब आइस, और फ्रेंड जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि सस्ती इंग्रेडिएंट सबसे पहले डालिए, यानी चीपेस्ट इंग्रेडिएंट सबसे पहले डालिए, और जो महंगे इंग्रेडिएंट जैसे इस केस में विस्की, ये सबसे लास्ट में डालिए, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो आपका जो विस्की है, जो महंगा स्पिरिट है, वो सेव हो जाएगा। कॉकटेल शेकर को अच्छे से बंद करने के बाद इसको हम करेंगे शेक। सो कॉकटेल शेकर अच्छे से ठंडा हो चुका है और मुझे गर्मी लग रही है तो मैं इसे थोड़ा सा लगा लेता हूँ। जब भी आप कोई शेकन कॉकटेल बनाते हैं तो आप कुछ इस तरीके का कॉकटेल ग्लास यूज करते हैं या मार्टिनी ग्लास यूज करते हैं। इसमें नॉर्मली आप आइस पहले डाल देते हैं। आइस डालने से क्या होता है कि तो आपका ग्लास ठंडा हो चुका होता है। जब आप इसमें कॉकटेल डालते हैं तो ठंडा कॉकटेल आपके ठंडे ठंडे ग्लास में जाता है, लेकिन मैंने यहाँ आइस नहीं डाला, मैंने ये ग्लास फ्रीजर में रख दिया था और ये ग्लास आप देख पा रहे हैं पूरा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें ये लिक्विड पोर करेंगे। ये कॉकटेल तैयार हो चुकी है, लेकिन एक गार्निश ज़रूरी है। मैंने ये ऑरेंज स्लाइस से एक ट्रायंगल बनाया है, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे और ये आपकी कॉकटेल ईस्ट वेस्ट साइड का तैयार हो चुकी है। चीयर्स। बहुत ही डिलीशियस कॉकटेल्स हैं, यकीन मानिए जब आप इस कॉकटेल को घर में बनाएंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे खुद से कि ये कॉकटेल बहुत ही डिलीशियस लगी आपको जब आपने इस कॉकटेल को बनाया, और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसान हैं। तो ये आपकी कॉकटेल ईस्ट वेस्ट साइड का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा बहुत सारे ब्रांड रिव्यूज़ करते हुए और बनाते हुए बहुत ही डिलीशियस कॉकटेल्स। चीयर्स।